हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे माता मनसा देवी के दरबार। श्री माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेक माता रानी का लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुझे मां के चरणों में आने का मौका मिला है। प्रदेश के लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा, देश के लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी में बड़ा है। योजनाबद्ध तरीके से लोगों को मोदी सरकार ने गरीबी से बाहर निकाला है। चुनाव को लेकर सीएम ने कहा, चुनाव लोकतंत्र का पर्व है। अपील करना चाहूंगा, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस विकसित भारत में हर गरीब महिला पुरुष बुजुर्ग को विकसित बनाना है। देश का जो सम्मान बड़ा है, 140 करोड़ देशवासियों का बड़ा है। 10 की 10 सीटें प्रधानमंत्री जी के पास जीत कर भेजेंगे, क्योंकि 2019 में 10 की 10 सीट जीत कर भेजी थी। प्रधानमंत्री ने भय मुक्त किया, आतंकवाद पर लगाम लगाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने बाकी 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पर कहा, पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा। अभय चौटाला के बयान, सीएम ने कहा, विपक्ष के लोगों को स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, रणनीति बनानी पड़ती है। सांझी सरकार ने लोगों के हित में काम किए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम ने कहा, जब होगा तो बताया जाएगा। चरणों में आने का मुझे भाग्य प्राप्त हुआ है। मैं प्रदेशवासियों के उज्ज्वल भविष्य और स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, प्रदेश विकास की ओर गति को ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं माँ के चरणों में कामना करता हूँ। कल ही हमारा जो लोकतंत्र का पर्व है उसकी घोषणा हुई है, और हम सब इस लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। देश एक विकास की गति के ऊपर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। आज देश एक नया विकास का अध्याय, पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लिखा गया है। देश का गौरव, देश का सम्मान, हर व्यक्ति का विश्वास नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इन 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, उसका परिणाम देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोग योजनाबद्ध तरीके से इस गरीबी से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। माताओं बहनों को, जिनके घर के अंदर आज तक आजादी का हमने 75 वर्ष पूरे किए हैं, अमृतकाल की तरफ बढ़े हैं, 75 वर्षों में भी जिस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था की है। बहनों का जो विश्वास बढ़ा है, बहनों का विश्वास नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति, की 11.5 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर दे करके उनके विश्वास को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज लोगों तक योजनाबद्ध तरीके से सरकार ने लाभ पहुंचाया है। जिस प्रकार से हर वर्ग का विश्वास इस सरकार के अंदर 10 वर्षों में बढ़ा है, हम देखते हैं उसी कड़ी के अंदर देश का गौरव भी विश्व पटल के ऊपर ऊंचा हुआ है। आज गरीब व्यक्ति का विश्वास मोदी की सरकार में बढ़ा है। 4 करोड़ से ज्यादा घर बना करके लगातार लोगों को देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड, उसको चिंता नहीं है कि अगर दुर्घटनावश कोई बीमारी, कोई दिक्कत आ जाती है, वो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। ये विश्वास अगर बढ़ा है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर बढ़ा है।
लोकतंत्र का पर्व है। मैं अपील करना चाहूंगा सभी से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र बनाना है और इस विकसित राष्ट्र के अंदर देश के हर जन का, युवा का, किसान का, महिला का, गरीब की, हर व्यक्ति की इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल होकर के इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका अदा करें, ऐसी मैं अपील करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो सम्मान देश का बढ़ा है वो देश का सम्मान नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, देश की समस्याओं का जो समाधान किया है। आइए हम सब मिलकर के इस लोकतंत्र के पर्व को एक उत्सव के रूप में मनाते हुए विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका मजबूती से अपना योगदान देने का हम काम करेंगे, ऐसी मैं आज माँ मनसा देवी के चरणों में यहाँ पर आया हूँ है। और पूरे प्रदेश के मैं स्वस्थ है कि और हमारा प्रदेश ये आगे बढ़े, ये विकसित हरियाणा, जो विकसित भारत, विकसित हरियाणा, क्योंकि प्रदेश के पूर्व में हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी, उनके नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ा है, मैंने तो खुद देखा है कि जो योजना केंद्र से आई है उसको 100 का 125 करके लोगों तक पहुंचाने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है और हम सब मिलकर के उनके उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और वो नरेंद्र मोदी जी के पास भेजनी है और हरियाणा इसके अंदर अहम भूमिका अदा करेगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में हरियाणा ने 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेजी थी। नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को भयमुक्त किया, इस भारत को विकास की गति को ऊपर आगे बढ़ाने का काम किया, इस देश के अंदर आतंकवाद के ऊपर सख्त लगाम लगाने का काम किया, इस राष्ट्र को मजबूत विकसित भारत की नींव रखने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और हम मिलकर के विकसित भारत, विकसित हरियाणा को 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार हरियाणा के लोग अहम भूमिका अदा करते हुए इसको मजबूती से देखिए, क्योंकि विपक्ष के लोग हैं, उनकी अपनी रणनीति स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी हमें क्यों बनानी पड़ती है, हमने क्यों अपील करनी पड़ती है, कांग्रेस से भी अपील करनी पड़ती है, गमंडिया गठबंधन के जितने लोग उनसे अपील करनी पड़ती है, बीजेपी के खिलाफ हम मिलकर के सांझा उम्मीद उतारेंगे। अरे सांझा तो तब उतारेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की जो सरकार रही थी उन्होंने जबरदस्त लोगों के हित में काम किए हैं। जब वो उन्होंने जबरदस्त काम किए हैं तभी तो इनके ऊपर ये इस प्रकार की दिक्कत खड़ी हुई है। अभी ये अकेले इनको पीछे करना मुश्किल है और हम शायद मिलकर के पीछे कर देंगे, परंतु ये एजेंडा भी मैं INLD के प्रमुख को ये कहना चाहूंगा, ये एजेंडा गमंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के अंदर इसको यूज कर लिया है और वो उसके अंदर कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जो काम हैं वो काम बोल रहे हैं और वो काम आज देश का और प्रदेश का हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करता है और 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहां से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।